मरना कुछ हो रहा है, उच्चे खां तो पैर फिसल गया है
और मर गया के सूरमा कादा हो और ज्यादा खा के इना खा के जब पचा ना सकना ते बापू मर गया उदा दिन मनावे कोई ते ओ भी सूरमा नहीं। सूरमा वो है जेड़ा पराए हिता ले स्वतंत्रता ले धर्म की खातर अन्याय की खातर जूझदा है वो सूरमा है। और कलगी वाले पातशाह ने ते गुरु हरगोबिंद साहब ने सूरमिया की नींह पत्थर रखी है। कलगी वाले पातशाह ने गुरु नानक देव जी तो लैके और 1699 अमृत की दात देने तक 230 साल बन गए। 230 साल इस मनुख को तैयार करने लाए सतगुरु नानक देव जी ने इनू बाणी के नाल जोड़े। सतगुरु नानक देव जी ने इनू जीवन का ढंग दसिया और सतगुरु नानक देव जी तो ही दलेरी आरंभ हो गई। राजे सी मुकदम कुते और उस वेले दिया जालम सरकारां दे नाल गुरमत दे आधार ते टक्कर ली और कीर्तन दे राही आधार कीता और जेड़ा प्रचार एक मर्दाने दी रबाब दी तार तो शुरू कीता है ते कलगी वाले पातशाह ने खंडे दी तार ते लिया के उदा फाइनल टच कर दिता है। और खंडे की तार दे नाल दो तारे खंडे दे नाल अमृत तैयार किया है। अमृत का बाटा पहली तो पी सके जिन्हू मौत प्रवान है। कलगी वाले पातशाह ने यह आख्या सी कि मैनू एक सिर की लोड़ है। एक वक्री परख सी किस दुनिया के पैगंबर वली औलिए ने अपनी अपनी उम्र तो अपने चेलिया तो सिर की मंग नहीं सी कीती और ना ही किसी ने दिता। और कलगी वाले पातशाह ने आख्या कि एक सिर की लोड़ है जरा कि ध्यान देना। जब तीसरी भी आख्या है लाहौर की धरती तो एक गभरू उठा है ते 30 साल की उम्र है। हाथ जुड़े हुए ने कलगी वाले पातशाह के चरणों में आके कह लगा कि मेरे ये देरी का कारण मेरा भय नहीं सी और मेरा देरी नाल उठ के आन का मकसद और कारण सिर्फ इना सी मैं जदों तुहाडे चरणों में आके मथा टेकया ये सिर तो मैं उदों दा दिता होया। जदों अपने बाप के नाल 15 साल की उम्र में पिता मैया राम के नाल मैं तुहाडे दर ते आके मथा टेकया मैं सिर तो उदों दे दिता सिर्फ ये सोचना रहा है कि एक वेर अर्पण कीती हुई चीज दोबारा भी दी जा सकती है। कलगी वाले पातशाह कह लगे गभरूआ एक किरपान फड़ के लड़ सकदे कह लगा ये काम औखा काम हमारा तोले तकड़ी मैं खतरिया का मुंडा और तकड़ी जिनी मर्जी तला लो काम हमारा तोले तकड़ी नंगी करत कबू नहीं पकड़ी चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। और जो कलगी वाले पातशाह ने देखे है कि शीश देन की भावना है पर लड़न की जुत नहीं ते कलगी वाले पातशाह ने जिमें एक सियाना जिमीदार किसे उस दरख्त को जेड़ा फल देन तो रहत हो जाए उन्हें छोटी जी प्यूंद देके उसकी नस्ल तब्दील कर देता है ते कलगी वाले पातशाह ने कीता अमृत तैयार। पांच चुले जदों पीण नूं दिते तेरा अंदर प्रवान हो गया और इहदे अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार निकल गए इहदा अंदर प्रवान हो गया ते पांच छटे इहदियां अखां विच मार दित्ते इहदी तकड़ी शेरा वर्गी बना दित्ती। अगे किसे डाटे नूं वेख के नीवी पा लैंदा सी किसे जवानी नूं वेख के नीवी पा के कहना मैं तो कुछ देखे ही नहीं हम यदि तकड़ी शेरा वर्गी बना दी और यदि तकड़ी में लाली ने डोले आ गए किसे जवानी नू वेख के ये सीधा वेख सकता है और यदि अखा विच शर्म ते हया आ गई वेख पराइया चंगिया मामा धिया भैणा जाने वाली अवस्था आ गई। पांच जोड़े दिमाग च पाए एदी सोचनी तब्दील कीती इहदा एदी रहनी बदली एदी कहनी बदली एदी खुराक बदली एदी पोशाक बदली और हर हर वक्त
को बदल देता है सिखनों, सिख वो बनता है और जिन्हों मरना कबूल है और सिखा दे सिरां दे मुल पैन लग पे। दसन वाले 10 रुपए, मारन वाले 50। यह लांच तुरकन दियो बहुत सिंह रुपये होना। पंथ प्रकाश का कर्ता लिखता है कि सिखा दे सिरां दे मुल को दसे में सिख भी गया 10 रुपये नाम दे बन के लियावे उन्हों 50 रुपये ते वेतरा। और सिखा दे इना अत्याचार होन लगा। अत्याचार करने वाला कौन है? मोमन खां। और जेड़े गुरु के नाल एक जंगला पहाड़ा रेगिस्ताना विच कठे होके रहंदे पर चढ़दी कला विच सारे पंथ दा एक अकाउंट। अजकल तो एक घर च जिन्ने जी उन्ने अकाउंट है, जिन्ने जी है जितने व्यक्ति रहंदे, घरवाली दा वखरा, घरवाले दा वखरा, मुंडे ते लड़के सारे परिवार दा वखरा। पर उस वेले सारे पंथ दा एक अकाउंट होया करदा सी ते लड़ना जूझना ते मंगना की 6 महीनों बाद एक कुड़ता मिलना, एक कशहरा मिलना ते एक श्री साहब कदे कदे जथेदार ने रहमत करनी ते घोड़ा दे देना। पर सन चढ़दी कला दे प्रतीक एक दिन नवाब कपूर सिंह ने सारे दल खालसे नूं बुलाया और सूरमे कट्ठे होके आए। और जदों कट्ठे होए तां सर कर दी कृपान नवाब कपूर सिंह सिख पंथ दा जथेदार इहने धू के कृपान बैठे हुए दल खालसा दे नाल इक गल कर रहे हैं। नाभे वालियां बीबियां इउं अर्ज कर रही हैं
नवाब कपूर सिंह एक तकरीर कर रहे हैं, सुन बड़े सूर में बैठे, सुन वाले वो ने मर्जी बड़े जिन्हों के जज्बा से कई कई फट हैं। उस वेले कौम का जथेदार भी साधारण व्यक्ति नहीं सी बन सकता। कौम का जथेदार वो बनना जेड़ा कहनी ते करनी का सूरा होवे, जेदे जिसम ते बताली बताली फट। और वो जथेदार नवाब कपूर सिंह ने कृपान तो ही कहन लगे, खालसा जी एक जाल में एक पापी के पाप इतने बढ़ गए हैं जेड़े गिने नहीं जा सकते। उदा ना है कहन लगे मोमन खां। मोमन खां एक पंजाब का नायब सूबेदार रहा बड़ा समा। पंजाब का गवर्नर कोई भी बनया, सूबेदार कोई भी बनया, भावे मीर मनू बनया ते भावे खान बहादुर जकरिया खान बनया, भावे कोई उनका नायब सूबेदार मोमन खां बनता रहा। नवाब कपूर सिंह जी कह लगे इस मोमन खां ने गश्ती फौजा का इंचार्ज बनके इन्हें बड़े सिखां नूं शहीद किया। भाई तारू सिंह उहदी खोपरी लाउण वाला कौन? मोमन खां। भाई साहब भाई मनी सिंह शांति के रूप महापुरश बिरध अवस्था और उन्हां दा बंद बंद कटण वाला कौन, कटाउण वाला कौन? ये मोमन खां। इस तो अलावा घरां विच छापे मार के जिहड़ियां छोटियां बच्चियां होणियां सिखां दियां बच्चियां उन्हां दा सिर कट के लै जाणा कि ये अजे अनराड़िया सिंह है। इस करके इस मोमन खां ने मुल्लापुर दे इलाके विचों भैणां नूं पकड़िया, लाहौर लै गए, भोरे दे विच बंद कर दिता। उन्हां भैणां नूं आख्या कि तुसीं अपना दीन अमान डोलो, असलां विच आओ, बेगमां बनो। जदों भैणां ना मनिया ते इन्हां नूं सवा सवा मण पीसण पीसण नूं दिता। कड़कदी गर्मी, खदी खदी रोटी ते इन्हां नूं देना वह भी पानी दे विच भेज के सुके टुकड़े। और जदों इतने कष्ट दिते, जदों ना मनिया ते इन्हां नूं इन्हां दीआं गोदियां दे विचों बच्चे खोह के पुछिया कि तैं धर्म बदलना, इस्लाम विच आउणा? जदों कहण नहीं ते बच्चियां नूं खीर खोर बच्चियां नूं गोद विचों खोह के मां दे सामने। और इस मोमन खां ने उतां नूं मारना, हेठां नेजा कर देना, जलाद नूं कहणा नेजा कर। और उस नेजे दे विच बच्ची ने परोए जाणा मां दीआं अखां दे सामने। और जदों तड़प तड़प के बच्चा मर जांदा, शहीद हो जांदा, उहदीआं आंदरां कढ के गले विच हार पा दित्ता मां ने। और उन्हां मामा दे गले विच हार पा के मीर मनू दे समें दी गल है। मीर मनू कहण लगा जाके वेख के आ मोमन खां कि जिहड़ा बीबियां दे गलां विच उन्हां दे बच्चियां दे हार पए होए ने उह तेरे अगे लिलकड़ियां कढणगीआं कि सानूं इस्लाम विच लै आ, असी अपना धर्म छड्डण लई मजबूर आ। और जां फिर उह गम दे विच मर गईआं होणगीआं। मोमन खां आया, इन जदों भोरे दे लागे आया ते इन्हें कीर्तन की आवाज सुनी। वह भैणा जिन्हां दे गले विच बच्चियां दे हार ने, अपने खीर खुर बच्चियां दे टोटे टोटे करा के गलां विच हार पाए ने। और वह भैणा कह रही कि साडा सिर जावे तां जावे, साडा सिखी सिरक ना जावे। और नाल भैणा ने एक तर्ज बदली और बड़े चाहत कहन मनू साडी दात्री, असी मनू दे सोए ज्यों ज्यों सानू बढ़ता असी दून सुभाए होए। मोमन खां ने आके दसिया मीर मनू ने कि वह तो गीत गा रही है। इसलिए इस मोमन खां के पाप बढ़ गए। नवाब कपूर सिंह कह लगा कोई योद्धा उठे, कोई सूरमा उठे जेड़ा इस पापी का सिर बढ़ के साडे कोल लिया, सिख कौम का पहला खाड़ू। खाड़ू वो है, बड़ी भारी कुर्बानी है। और
ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਭਜਿਓ, ਪਰ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕੋ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਚਿੱਟੀ ਛਾਤੀ, ਸਰੂ ਵਰਗਾ ਕੱਦ, ਸਰਦਾਰ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? Thank you.
आब वो पहने गल मिल है अंक सहेलड़िया है मिलके करे कहानियां समरथ कंत किया। परम सम्मान योग गुरु सवारी सत्संग जी हरमन प्यारे सिखी गुलदस्ता दर्शकों ते श्रोता जनों निम्रता सहित फतेह अर्ज है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगत गुरु सतगुरु नानक देव जी महाराज जी का सिद्धांत अते शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे फलसफे नूं समझण वास्ते गुरबाणी च लिखा है कि कथा कीर्तन सुखदाई ये अटल सच्चाई है। गुरबाणी नूं रागां च उचार के हुक्म किया कि गुण गोबिंद गावो सब हरजन राग रतन रसना अलाप सुकुल मिला के सिख इतिहास अते गुर इतिहास की गहराई नूं समझण वास्ते पुरातन अते अयोके समय के महान कीर्तनियां दा कीर्तन गुरबाणी की कथा विचार धार्मिक गीत श्रोमणी जथियां दीआं जोशीलियां ढाडी वारां ते कवि दरबार उच्च कोटि दे कविशरां दे खोज भरपूर प्रोग्राम सरवण करन लई सिक्खी गुलदस्ता चैनल नूं सबसक्राइब अते लाइक करो जी ते किरपा करके घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दिओ जी तां कि नवे तो नवे प्रोग्राम थोड़े तक पहुँचते रहन थोड़े सोहने सोहने सुझा अते आशीर्वाद की सख्त लोड़ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।